नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आपने बिल्ली को दूध पीते हुए देख लिया है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप ऐसा देख रहे हैं किसी पात्र में दूध रखा हुआ है, उसमें से बिल्ली पी जा रही है, या फिर कहीं ज़मीन पर गिरा हुआ है, कहीं अन्यत्र है, वहाँ से वो पी जा रही है, और चाहे आपके घर में कहीं पर दूध रखा हो उसको आपने सपने में पीते हुए देख लिया है, या फिर किसी दूसरे के वहाँ देख लिया है, या फिर किसी ऐसी जगह पर बिल्ली को आप दूध पीते हुए देख रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पर है या आप कहाँ पर हैं, लेकिन आपने सपने में बिल्ली को दूध पीते हुए देख लिया, तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चाहे आप सपने में सफ़ेद बिल्ली को दूध पीते हुए देख रहे हो, या फिर आप देख रहे हैं कहीं पर कोई काली बिल्ली जो है दूध पी रही है, या फिर वो भूरी बिल्ली है, या फिर किसी अन्य कलर की है, यानी कि किसी भी कलर की बिल्ली को आपने सपने में दूध पीते हुए देख लिया है, तो हम हर प्रकार के बिल्ली को सपने में दूध पीते हुए देखने की व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये चाहे सपना किसी स्त्री ने देखा हो या किसी पुरुष ने देखा हो, सबके लिए सपने की व्याख्या की जा रही है। दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सपने का जो मतलब बताया गया, मेरे जीवन में वो घटना घटित क्यों नहीं हुई। देखो दोस्तों, होता क्या है, किसी सपने का फल हमको शीघ्र मिल जाता है तब तो हम उस सपने को सत्य मान लेते हैं, यही पर किसी सपने का फल यदि विलंब से मिलता है तब हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जबकि वास्तव में होता क्या है कि रात में जिस समय आप सपने को देख रहे होते हैं, इसके फलित होने की अवधि काफ़ी हद तक उस बात पर निर्भर करती है। क्योंकि मित्रों, जब आप रात में 12 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो इस सपने को फलित होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है। यहीं पर यदि आप जो है 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देखते हैं तो यह सपना जो है 4 से 6 महीने में अपना फल दे देता है। यदि आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में 4:15 के आसपास तक कोई सपना देखते हैं तो यह सपना जो है 1 से 1.5 महीने में फलित हो जाता है। यहीं पर यदि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से जस्ट पहले कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना 24 से 48 घंटे में फल दे देता है, फिर वो चाहे शुभ हो या फिर अशुभ। तो ये आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सपने में यदि आपने बिल्ली को दूध पीते हुए देख लिया तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि आप सपने में किसी बिल्ली को दूध पीते हुए देख रहे हैं, तो चाहे आपके घर में पी रहे हो किसी अन्यत्र पी रही हो, तो यह सपना आपके लिए भविष्य के लिए एक प्रकार से चेतावनी भरा सपना है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि आप यह सपना देख रहे हैं तो इसके बाद अपने जीवन में आगे काफ़ी सोच समझ कर आपको कोई काम करना है। मित्रों, किसी काम को आप नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी लोगों की सलाह मशवरा ले लेना चाहिए, उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से ले लेना चाहिए, या फिर आप कोई अपने जीवन में कार्य जो कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी सोच समझ कर जो है उसको शुरू करना चाहिए या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, आपको अपने ही लोगों से इस कार्य के जुड़े हुए जो भी लोग हैं या आपके अपने जो भी जिन्हें आप अपना मानते हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखा मिल सकता है, वो आपके संग चीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यह सपना देखना आपके लिए एक प्रकार से पूर्व संकेत लेकर आया है कि आपको काफ़ी सचेत हो जाना चाहिए और तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मित्रों, ये आपको कार्यक्षेत्र पर मिलने वाले किसी बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच सके। और मित्रों, जब आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।